हेलो फूडीज, वेलकम टू सिमरन्स फाइन डाइन। कैसे हैं आप लोग? इडली डोसा की रेसिपी तो सब जानते हैं फ्रेंड्स, आज मैं इसके साथ खाने वाली ऑथेंटिक स्टाइल सांभर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सांभर बनाने के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम्स ऑफ अरहर दाल। इसे मैंने 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करके इसे 1 आवर के लिए सोक करने रखा था। तो चलिए मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। कुकर में अपनी सारी दाल को डाल लूंगी, इसी में मैं वाटर ऐड कर दूंगी, हल्दी पाउडर, नमक, और इसे मैं हाई फ्लेम पे 3 विसल आने तक कुक करूंगी। चलिए तब तक मैं थोड़ी सी सब्जियों को पका लेती हूँ। सबसे पहले कोई भी पैन हीट करें, इसी में मैं ऐड करूंगी ऑयल। ऑयल मेरी गर्म हो गई है, इसी में मैं ऐड कर दूंगी ये राई और इसे क्रैकल होने दूंगी। इसी में मैं ऐड कर दूंगी मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, इसी में मैं ऐड कर दूंगी हींग, इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी इसमें अनियन, इसे मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया था, एक मीडियम साइज का अनियन ली हूँ। इसे भी 2 सेकेंड ऐसे सॉटे कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैं कड़ी लिप्स ऐड करना भूल गई थी, तो साइड में मैं ऐड कर दूंगी कड़ी लिप्स। इसे से सॉटे कर ले कुछ सेकेंड। ग्रेटेड अदरक, इसे मैं कवर करके 1 से 2 मिनट कुक होने दूंगी। प्याज मेरी थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो गई है, इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी टमाटो, हल्दी पाउडर, नमक। फ्रेंड्स, नमक अपने हिसाब से डालें क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड किया है। सभी को मिक्स कर लूंगी। इसे भी मैं कवर करके 1 से 2 मिनट कुक करूंगी। चलिए मैं प्याज टमाटर चेक कर लेती हूँ। ये देखिए काफी अच्छे से कुक हो गई है। इसी स्टेज पे मैं इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर दूंगी। ये मैं कुछ कैरेट्स ली हूँ, लौकी, बैंगन, जिसको मैंने अच्छे से कट करके पिल करके वॉश कर ली हूँ। सभी को इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे भी मैं कवर करके 2 से 3 मिनट कुक होने दूंगी। स्टेज में मैं ऐड कर दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे मैं सांभर में कलर भी अच्छी आएगी और तीखा भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती हैं। सांभर पाउडर, यहाँ मैं MDH का सांभर पाउडर यूज कर रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। इसे मैं कवर करके 1 से 2 मिनट कुक होने दूंगी, जब तक हमारी सारी मसाले लटपट हो जाएगी सब्जियों में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जी मेरी अच्छे से कुक हो गई है, मसाले भी पूरे अच्छे से कोट हो गई है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और चलिए मैं पहले अपना दाल चेक कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से कुक हुई है मेरी दाल। अब मैं इसमें अपने कुक किए हुए सब्जियां डाल दूंगी। मैं इसे कवर करके हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक कुक करूंगी, जिससे हमारी सब्जियां थोड़ी बहुत गल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सांभर मेरी अच्छे से कुक हो गई है। ये देखिए इसकी सब्जियां भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसी ही सब्जियां चाहिए मुझे। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी इमली का पानी,
3 टेबल स्पून और ये जैगरी, इसे अच्छे से मिक्स कर दे। इसे बॉईल आने तक कुक करूंगी। आप इसी स्टेज पे सांभर टेस्ट कर ले, अगर आपको साल्ट कम लगे तो आप थोड़ी सी और डाल दे। सांभर पे अच्छी बॉईल आ गई है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे दूसरे बोल में निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सांभर रेडी हो गई है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये थोड़ी और ठीक होगी। तो अगर आपको मेरी सांभर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी की पहली अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ अगली बार एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।